फसल वालों की है, लेकिन इस बात को मौसम ने काफी सीरियस ले लिया है। यहाँ गर्मी हो, बारिश हो या फिर सर्दी, जो भी हो दिल खोल कर पड़ता है। गर्मी में गर्मी नहीं सहन होती तो सर्दी में। हाल ये है कि दिल्ली की सड़कों में अंधेरा छाया हुआ है। सुबह के 7 बजे रात जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत में ठंड का कहर तो जारी है, साथ ही दिल्ली NCR में शीतलहर चल रही है। दिल्ली NCR में कड़ाके की ठंड भी सारी रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। दिल्ली में हाड़ कपा देने वाली सर्दी से हाल ये है कि शुक्रवार को भी दिल्ली के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से भी कम रहा। दिल्ली NCR में सर्दी ने लोगों को खूब परेशान किया हुआ है। मैं तो ऑटो चलाता हूँ, अब ठंड इतनी हो रही है कि मैं अभी नई दिल्ली पे था तो मैंने सोचा कहीं पे जुगाड़ नहीं था जो कि हाथ सेक लो, तो ऑटो में तो ठंड रुक नहीं सकती, तो वहाँ से चल के 2 किलोमीटर यहाँ पे आया था। यहाँ देखा तो आग जली हुई थी, तो इनके पास में बैठा अपना गर्मी ले रहा हूँ। 1 तारीख से इतनी ठंड हो गई है कि रोडों पर भी निकलना मुश्किल हो रहा है। परसों इतना कोहरा था कि मेरा एक्सीडेंट होते होते बच गया, तो इसीलिए अपना यहाँ आग का सहारा ले रहे हैं और अपना ठंड गुजारा कर रहे हैं। ठंड से बचने के लिए आग जला रखी है, पिछले 2 घंटे से हाथ ताप रहा यहीं बैठ गया। तो ठंड आजकल 2-3 दिन से ज्यादा हो रही है। हाँ, ठंड भी ज्यादा हो रही है, कोहरा भी ज्यादा ही हो रहा है। कोहरे ने भी लोगों को परेशान कर रखा है। कोहरे के चलते सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। विजिबिलिटी कम होने के कारण लोगों को ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ रहा है। तेजी वाली ठंड है, इस समय कोहरा इतना हो चुका है कि दिखाई देना बंद हो रहा है और हवा भी अच्छी चल रही है और चलाने में गाड़ी भी बड़ी मुश्किल हो रही है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत बिल्कुल हो रही है, लेकिन उसमें तो सर कोई कुछ कर ही नहीं सकता। बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है जी, जनता को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है और दिखाई नहीं कुछ दे रहा। ट्रैफिक को बहुत परेशानी है और घर से इधर उधर जाने के लिए भी, जिसने किसी काम से घर से देर से आ रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी है। बड़े वाहन चल रहे हैं लेकिन बहुत धीरे धीमी गति से। ठंड की स्थिति तो बहुत बुरी है, क्योंकि ठंड तो है, इसमें कोई शक ही नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड है। और पिछले कई सालों के मुकाबले अभी 5-7 दिन में जो ठंड पड़ी है ये और भी ज़्यादा है। और जो कोहरा हो रहा है, धुंध हो रही है, इसमें तो गाड़ी चलाना भी रिस्की हो रहा है।